यहाँ पे हर एक प्लेस दूसरी प्लेस से खूबसूरत है, इतना नेचुरल है। मुझे लगता है कि जो बच्चों को आप पार्क्स वार्क्स दिखाते हैं, मतलब कहाँ ये और कहाँ वो, सब कुछ कहाँ आर्टिफिशियलिटी एंड कहाँ दिस ओरिजिनलिटी। सो नाउ वी आर मूविंग बैक, दो हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज नीचे बिल्कुल फॉल्स का पानी है एंड इस ब्रिज में पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। सो स्लोली आई विल टेक यू अलोंग। और फिसलन इतनी है क्योंकि बारिश हो चुकी है सुबह, तो एलगी पूरा हो रखा है। बट लुक एट द स्नो, यू आर वॉकिंग ऑन द रूट्स, यही तो जन्नत होगी ना। हमें शायद एक एक्सप्लोर करने के लिए पैदा किया है, हमें सब खूबसूरती वो देखने के लिए पैदा किया, और हम कहाँ झगड़े लड़ाइयों में पड़े रहते हैं। अमेजिंग। तो वहाँ पर तो एटलीस्ट क्योंकि डबल डेकर में काफ़ी लोग आते हैं तो उसको काफ़ी सेफ करा गया है, मगर ये अभी भी उतना ही नेचुरल है। दो ये देखो लोहे की रॉड्स हैं, बट ये प्लैंक्स ऐसे लग रहे हैं कि कहीं नीचे ही ना पाँव चला जाए। सो द प्लैंक्स आर लाइक दैट। सो दिस इज अगेन अ सिंगल रूट ब्रिज, वन ऑफ द सिंगल रूट ब्रिज। वो जो है ना पानी, वो लगून जैसा दिखता है, इसलिए इसको लगून वाटरफॉल्स बोलते हैं। तो वहाँ पर स्विमिंग आराम से की जा सकती है। ये इतने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पता नहीं कहाँ कभी कहाँ से बह के आए हैं, और वो जिस पोजीशन में है ना ऐसा लग रहा है कि बह के ही आए हैं। तो कभी पता नहीं फ्लड्स हुए होंगे, या ये जो नदी है वॉट एवर नाला एंड इसमें काफ़ी पानी आया होगा। बहुत फिसलन है, फिसलन काफ़ी है हाँ। एंड ये ख़राब हो चुके हैं अभी, ये जितने भी बैम्बूज उन्होंने लगाए हैं। ए चुप करना तुम लोग चुप नहीं रह सकते है? बंदा पॉजिटिव सोच करके जा रहा है वहां पर। सो वी हैव कम फ्रॉम देयर एंड इस वीडियो में भी मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा वाटरफॉल्स बोरा। दिस फ्रेम इज सो वेरी ब्यूटिफुल एज इफ इट इज अ वाई। सो हियर वी से बाय बाय टू दिस फुल फॉरेस्ट एंड देयर इज दैट वुडन दैट ब्रिज अहेड। कैसा दिखता है वो मैं दिखा देती हूँ, ऑल दो हमने वॉक की है पहले भी उसमें। ये दूसरा इस तरीके का ब्रिज है, ऐसा है। एंड वो लगून वाटरफॉल्स, ये ब्यूटिफुल।